अब आइए आसिमा बानू बिन्त मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन अशरफी मुड़हेल और मुमतहिन का नाम है हजरत हाफिज वकारी अब्दुल मुबीन साहब किबला। ईमान का माना क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान का माने पक्का यकीन रखना, दिल से मानना और ज़बान से इकरार करना। क्या अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी हुई है? अल्लाह ताला से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। नबी और रसूल कौन होते हैं? अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उन्हीं में से कुछ लोगों को चुन लेता है और अपने पैगामात और इरशादात फरिश्तों के जरिए उन तक पहुंचाता है। उन्हीं लोगों को नबी और रसूल कहते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला का दर्द किस चीज से दूर हुआ? आज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन से। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में क्या फरमाया? हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा शख्स वो है जो अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करे। मदीना की हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या नबी और रसूल गुनाह करते हैं? नबी और रसूल कभी भी गुनाह नहीं करते। पहले नबी का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कितने नबियों के नाम कुरान में मौजूद हैं? कुरान करीम में सिर्फ 25 नबियों करीम के नाम मौजूद हैं। उस्ताद ने आपको जो कुछ सिखाया उनमें से 3 बातें बताइए। जन्नत के रास्ते पर चलना सिखाया, दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाया। जब एक सुराख बाकी था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुराख पर अपना पैर रख दिया था। अच्छा, कितने नबियों का नाम कुरान में मौजूद है? सिर्फ 25 नबियों के नाम कुरान करीम में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुअज़्ज़मा में। क्या अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक है? अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें 4 हैं। कुरान के आदाब क्या क्या हैं? कुरान मस्जिद को वजू करने के बाद ही छूना और उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं रखना और ना ही उसके तरफ पीठ करना और ना ही पैर फैलाना और ना ही उसका तकिया बनाना। अच्छा, सलाम की फजीलत में हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सलाम फैलाओ। अच्छा।